नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक पहाड़ी पर कुछ बंदरों का कब्जा था। बंदर वहां पर बड़े मजे से रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद उस पहाड़ी पर बने गुफा में एक शेर अपने सेक्रेटरी सियार के साथ वहां पर रहने के लिए आया। बंदरों को जब पता लगा तो वह शेर के पास जाकर बोले कि इस पहाड़ी पर हमारा कब्जा है, आप कहीं और जाकर रह लीजिए। उसकी इस बात को सुनकर शेर के सेक्रेटरी सियार ने बोला कि तुम बंदरों के रहने के लिए पेड़ है और शेर के रहने के लिए गुफा है, तुम जाकर पेड़ में रहो। शेर ने बंदरों को आश्वासन दिया कि जब तक तुम मुझको परेशान नहीं करोगे मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद बंदर गुफा से चले गए, लेकिन शेर का वहाँ आकर रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह शेर को भगाने के लिए बहुत तरकीब लगाने लगे, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। एक दिन शेर ने सियार से कहा कि खाना खाने के बाद मुझको पानी पीने के लिए इतना दूर जाना पसंद नहीं है, इसलिए वह बर्तन में पानी लाकर रख दे। बंदरों ने शेर की इस बात को सुन लिया। उनने सोचा अब वह शेर को पानी पीने नहीं देंगे। इसके बाद अगले दिन सियार शेर के लिए एक बर्तन भरकर पानी लेकर आया और उसको गुफा के बाहर रख दिया। सियार के जाने के बाद बंदरों ने एक बांस की सहायता से सारा पानी खींचकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। कुछ देर के बाद जब शेर ने खाली बर्तन देखा तो सियार पर गुस्सा हुआ कि तुमने मेरे लिए पानी नहीं रखा। सियार ने बोला उसने पानी रखा था, लेकिन शायद गर्मी की वजह से सूख गया होगा, कल वह और ज्यादा पानी लेकर आएगा। अगले दिन सियार बर्तन भरकर पानी लेकर आया, लेकिन बंदरों ने उसको भी बांस की सहायता से पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। जब शेर आया तो वह सियार पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ कि वह कामचोर है और उसने पानी नहीं रखा, वह उसको अपने सेक्रेटरी से हटा देगा। सियार ने शेर को बताया कि वह पानी लेकर आया था। अगले दिन सियार फिर पानी लेकर आया, जिसके बाद सियार और शेर गुफा में छुप कर देखने लगे। कुछ देर में बंदर आए और बांस लगाकर सारा पानी खाली कर दिया। अब शेर और सियार को समझ आ चुका था। इसके बाद सियार जब भी पानी लेकर आता तो वह आधा पानी गुफा में और आधा पानी बाहर बंदरों के लिए छोड़ देते थे। बहुत बार बंदरों को पता चला कि शेर हमें उसका पानी गिराते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। इसके अलावा अब शेर शिकार करके बहुत जल्दी भी आ रहा था। यह इसी तरह 2-3 महीने चला। इसके बाद बंदर थक कर शेर के पास गए। वह शेर से बोले, हम 2-3 महीने से आपका पानी गिरा रहे हैं और आप यह सब देख भी रहे हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं कह रहे। इस पर शेर ने बोला, क्योंकि इससे तुम मेरा फायदा ही कर रहे हो। बंदर बोले, वह कैसे। शेर ने बताया, जो पानी तुम पहाड़ी से नीचे गिराते हो उससे पहाड़ी के नीचे हरी हरी घास उग गई है, जिससे बहुत से जानवर वहाँ चरने आते हैं। मैं जब शिकार करने जाता हूँ तो वह नीचे मुंह करके घास खा रहे होते हैं, जिससे मैं आसानी से उनका शिकार कर पाता हूँ और जल्दी लौट आता हूँ। तुमको यह सोचना चाहिए कि तुम जिसका नुकसान कर रहे हो उससे उसका नुकसान हो रहा है या फायदा।